हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सतकर्ता यूनिक क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इज टेक प्लेस व्हेन फ्लूइड प्रेजेंट इन मोशन स्टेट और रेस्ट स्टेट। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है हमारे पास? फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे पास साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में स्टडी की जाती है। जब फ्लूइड हमारा मोशन स्टेट में होता है, यानी जब हमारा फ्लूइड मूव कर रहा होता है और रेस्ट स्टेट, और जब फ्लूइड हमारा स्थिर अवस्था में होता है, तो इसी को हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। इट इज़ क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप्स। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक, द स्टडी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अंडर स्टैटिक कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक। तो हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोस्टैटिक में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की स्टडी की जाती है अंडर स्टैटिक कंडीशन, मतलब जब वो रेस्ट पोजीशन में होता है। मतलब इसमें उस फ्लूइड की स्टडी की जाती है जिसको कंप्रेस नहीं किया जाता जब वह स्थिर अवस्था में होता है, तो इसी को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं। अब आगे है हमारे पास हाइड्रोकाइनेमेटिक कि हाइड्रोकाइनेमेटिक क्या होता है हमारे पास? इट डील विद द वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड द पैटर्न ऑफ फ्लो ओनली। फोर्सेज और एनर्जी कॉजिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉट डील्ड अंडर दिस हेडिंग। हाइड्रोकाइनेमेटिक में हमारी सी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी होगी कि हमारा फ्लूइड कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, या उसकी वेलोसिटी एक बराबर है या नहीं है, या उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर वो किस पैटर्न में फ्लो कर रहा है। तो हाइड्रोकाइनेमेटिक में हमारी केवल इन चीज़ों के बारे में ही स्टडी होगी। अब आगे हमारे पास हाइड्रोडायनेमिक कि हाइड्रोडायनेमिक क्या होता है हमारे पास? इट डील विद द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड विद द फोर्सेज ऑफ एनर्जी कॉजिंग देम। तो हाइड्रोडायनेमिक क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोडायनेमिक में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ साथ फोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में भी स्टडी की जाती है कि माने फ्लूइड के अंदर सिस्टम जो जितनी भी वेलोसिटी है वो कितनी फोर्स या एनर्जी, कितनी फोर्स के कारण प्रोड्यूस हो रही है, कितनी एनर्जी के कारण प्रोड्यूस हो रही है। तो हाइड्रोडायनेमिक्स में इन चीज़ों के बारे में भी स्टडी की जाती है। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सतकर्ता यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब करो